असलम स्टूडेंट दिस इज़ वीक नंबर वन ऑफ असम्बली लैंगवेज और ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो क्लिप है बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट के वाई वी आर स्टडिंग असम्बली लैंग्वेज और असम्बली uh, लैंग्वेज को समझने के लिए यानी एक्चुअली जंपिंग इन टू द्डिंग ठीक है जैसे ये लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नाम से ही जाहिर हो रहा है तो इसमें जंप करने के लिए कोडिंग में जाने से पहले कुछ इसके प्री रिक्वेजर्ट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे तो जो हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है इट विल कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक थिंग्स पहली बात की असम्बली लैंगवेज है क्या और हम पढ़ रहे क्यों हैं दूसरी चीज़ कि हमने आर्किटेक्चर को स्टडी करना है जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें हमें प्रोसेसर यानी सी के आर्किटेक्चर को हमें समझना होगा वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये भी आपको पता चल जाएगा ठीक है और एड्रेसिंग हमारे पास एक ख़ास किस्म के आर्किटेक्चर में होती क्या है या कैसे होती है तो ये असम्बली लैंग्वेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अभी तक जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ पढ़ी हैं दे आर हाई लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज़ ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज़स होती हैं लो लेवल लैंग्वेज़ होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ की अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज़ वो लैंग्वेज़ होती हैं जो समझने में यूज़र्स के लिए प्रोग्रामर्स के लिए बहुत आसान होती हैं ठीक है और लेकिन जब वो जाती हैं मशीन पर एग्जीक्यूशन के लिए आपको पता है कि अब मतलब जिस स्टेज पर आप हैं सी एस सी आई टी के स्टूडेंट्स जो हैं जिस स्टेज पर आप हैं इसमें अब आप आपको आइडिया हो गया है कि अल्टीमेटली आपके पास जो भी हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन होगी अल्टीमेटली वो प्रोसेसर पे जाके एग्जीक्यूट होगी और अगर वो कंपाइलर से पास होती है जैसे आपको पता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज़ में आपका जो कंपाइलर होता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल जो सारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर वो उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करता है <coughs> होता ये है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज़ में एफिशेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जिस एफिशेंसी से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस uh, ने एग्जीक्यूट होना होता है uh, वैसे नहीं होती कि अब इसकी रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारे लिए बनाई जाती हैं यूज़र की आसानी के लिए ठीक है ताकि जो एक नॉर्मल ह्यूमन है या प्रोग्रामर्स हैं वो बड़ी आसानी से उसमें अपनी लॉजिक को जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अच्छा अब जब वो मशीन लेवल तक जाती है क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने मशीन या हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होना होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस वैसी नहीं रहती जिस तरह हमने बनाई होती हैं और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इंक्रीज हो जाती हैं तो होता यह है कि जो एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है वो हमें इतनी नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर हमें सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि हमारी जो लॉजिक होती है बड़ी आसानी से एम्पलीमेंट हो जाती है इसके कंपेरिज़न में एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज़स टोटली बाइनरी कोर्ड्स पे कंसिस्ट करती है और बाइनरी कोर्ड्स को समझना हमारी मशीन के लिए भी आसान होता है क्योंकि हमारी जो मशीन होती है वो uh, काम ही बाइनरी लैंग्वेज पे करती है बाइनरी कोर्ड्स पर करती है तो उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है उसमें कोई कंपाइलर वगैरह की जरूरत नहीं होती उसमें किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती जो लॉजिक होती है डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाती है बट देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ डिवेलपर और अ प्रोग्रामर टू इम्प्लीमेंट सर्टन सॉर्ट ऑफ लॉजिक इन बाइनरी लैंग्वेज क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कोड्स याद रखने पड़ेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो मशीन स्पेसिफ़िक होंगी तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है लेकिन उसमें एफिशिएंसी बहुत फ़ास्ट होती है यानी हमारे पास रिस्पांस बहुत फ़ास्ट होता है फिर हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज थोड़ी सी अपर लैंग्वेज आती है मतलब वो कंसिडर तो लो ही में की जाती है जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड असम्बली लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज जो है ये सिम्बॉलिक रिप्रजेंटेशन होती है सिम्बलिक रिप्रजेंटेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो हमारे पास बाइनरी कोड्स होते हैं जैसे हम भी थोड़ी देर पहले हम लो लेवल लैंगवेज़ की बात कर रहे थे तो उसमें वो रिप्लेस हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स और ये सेम्बल्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास उन बाइनरी कोड्स की रिप्रजेंटेशन ही होती हैं लेकिन जो हमारे पास बाइनरी कोड होता है ये फॉर एक्ज़ाम्पल अगर मेरे पास हमने दो नंबरों को ऐड करना है तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइनरी कोड होगा एक ऐड का लेकिन हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक सिंबल uh, से और वो सिंबल होगा ऐड अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह से दूसरी जगह कोई इंस्ट्रक्शन को या डेटा को मूव करना है तो डेफ़िनेटली मूव का भी एक बाइनरी कोड होगा लेकिन असम्बली लैंग्वेज में उस मूव के लिए हमने एक सिंबल यानी एम एक इंस्ट्रक्शन बनाई भी सिमिलरली इस तरह के हमने बहुत सारे सिंबल्स बनाए हैं तो इसमें एक आसानी यहाँ पर हमें ये मिल जाती है कि हमारा जो यूज़र होता है या जो हमारा प्रोग्रामर होता है वो बड़ी आसानी से अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकता है लेकिन स्टिल ये मशीन लैंग्वेज तो है नहीं तो हमें यहाँ पर एक थर्ड एक एक हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए होती है जो हमारे इन सिंबल्स को क्या कर सके ट्रांसलेट कर सके इनटू बाइनरी कोड और उसको हम क्या कहते हैं असम्बलर कहते हैं तो जो भी हम असम्बली में प्रोग्राम लिखते हैं हम उसे पास करते हैं असम्बलर uh, से असम्बलर क्या कर देता है जो हमारे कोड्स uh, होते हैं uh, हमारे सिंबॉलिक uh, सिंबल्स होते हैं उन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर देता है और देन uh, फिर मशीन के पास वो प्योरली बाइनरी कोड्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी ऐसा जितनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती सिर्फ एक स्टेप हम हमें जाना पड़ता स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन अच्छा अब यहाँ पर uh, यहाँ पर इस पैराग्राफ में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं थोड़ी सी मैं आपको बात बता हूँ हम असम्बली लैंग्वेज पढ़ रहे क्यों हैं असम्बली लैंग्वेज एक तो हमने बार हम शुरू से जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो हम यही देख रहे हैं कि ये असम्बली लैंग्वेज हमें हाई एफिशिएंसी देती है ठीक है हमारी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस हमारे पास बहुत क्विक होता है हमारी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है तो ये हमारे लिए एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जो भी हमारे पास क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगी जहाँ पर हम किसी किस्म की एफिशेंसी को रिस्पांस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे जैसे स्पेसिफिकली हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में ठीक है तो वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है और बज़ दफ़ा कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन होती हैं तो वहाँ पर हमारे पास असम्बली लैंग्वेज ज़रूरत होती है दूसरी बात यहाँ पर ये यह हमारे पास आ, एक और इम्पॉटेंट है जहाँ पर हमने डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना हो तो वहाँ पर भी असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए आइडियल होती है अभी तक जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज़ की हमने जितने भी कोर्सेज़ पढ़े हैं उसमें हम बात करते हैं जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स के ठीक है और हमारे पास वहाँ पर एक प्री कंडीशन है कि हमारे पास जर्नल पर्पस कंप्यूटर होगा हमारे पास ओ की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास कंपाइलर होगा लेकिन यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज चूँकि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है तो यहाँ पर ऐसा चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है एज़ अ रिज़ल्ट इसकी एप्लीकेशन एरिया बहुत बढ़ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक माइक्रोवेव अवन है उसमें अगर आपने कोई कोडिंग करनी है तो वहाँ पर आपको एक चिप में आप डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज से कोड कर सकते हैं किसी भी हार्डवेयर में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गाड़ी का ई एफ आई सिस्टम है वहाँ पर मुझे डायरेक्टली कोडिंग करनी है तो वहाँ पर भी मैंबली सो असम्बली लैंग्वेज इज़ समथ विच डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर अच्छा अब ये बात आ गई तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर इसकी आ, इसके पढ़ने का हमें फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एरिया बहुत है और जब भी हमें एफिशिएंसी चाहिए क्रिटिकल रिस्पांस चाहिए होता है आ, और हमारे पास हार्डवेयर प्रोग्रामिंग हमें चाहिए होती है तो हमारे पास असम्बली लैंग्वेज एक पोटेंशियल कैंडिडेट की तरह सामने आता है यानी हमारे लिए बहुत मुफीद है इन तमाम एरियाज़ में तो इसका एप्लीकेशन एरिया बहुत बढ़ गया तो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग असम्बली लैंग्वेज के हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इस कोर्स में देखेंगे जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं और हम ये देखेंगे कि वही प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास आएंगे तो हम असेंबली लैंग्वेज में कैसे करेंगे तो इस कोर्स में हमने ये पढ़ना है आगे जाके हम इस कोर्स की और भी बात करते हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ जब हम हार्डवेयर की से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे हार्डवेयर की हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि उसका सेटअप क्या है वो काम कैसे करता है उसमें रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं हमें पता होना चाहिए और अगर हमें उसके रिसोर्स का पता होगा उसके काम करने का तरीका पता होगा तभी हम एक कोड लिख सकते हैं जो असम्बली लैंग्वेज का कोड होगा और वो उस स्पेसिफ़िक हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट हो सकेगा या रन कर सकेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट uh, होगा सो दिस मीन्स अगर मैं एक असम्बली लैंग्वेज का कोड लिख रहा हूँ तो उसका एक प्री रेकोजिट है वो प्री रेकोजिट ये है कि मुझे जिस हार्डवेयर पर मैंने वो काम करना है या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है उस हार्डवेयर के बारे में मुझे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए लेकिन या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कैसे काम करता है अच्छा दिस मीन्स कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर मेरा हार्डवेयर चेंज होगा तो उसकी असेंबली लैंग्वेज भी चेंज होगी क्योंकि मेरा हार्डवेयर का आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है ठीक है इसी वजह से इस कोर्स का नाम रखा गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज कि मेरे पास एक जो मशीन है एक कंप्यूटर है उसकी अगर ऑर्गेनाइजेशन उसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसमें कोड नहीं कर सकता तो हमारा जो फ़र्स्ट लेक्चर है इसमें अभी हम जो दूसरे वीडियो क्लिप में जाएंगे तो इसमें हम यही देखेंगे कि हमारे पास एक कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है ठीक है वो हम नेक्स्ट क्लिप में वीडियो क्लिप में हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स में हमने पढ़ना किया है इस कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना है इस कोर्स में हमने ये देखना है कि हमारे पास जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास बेपनाह किस्म की प्रोसीजर्स आएंगे यानी फंक्शंस आएंगे लूप्स आएंगे हमारे पास फंक्शन कॉलिंग आएगी हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम इस कोर्स में हाई लेवल लैंग्वेज में हम जैसे सॉल्व करते थे वो हम असम्बली लैंग्वेज में भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें जो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे बड़ी आसानी से असेंबली लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकें तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्शन था कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था कि असम्बली लैंग्वेज है क्या उसको हमने देखा और किस तरह इस कोर्स में हमने आगे चलना है वो भी हमने देखा तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो क्लिप होगा उसमें हम आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम आर्किटेक्चर को पढ़ना शुरू कर देंगे थैंक यू यहाँ पर हमारा असेंबली लैंग्वेज यानी कोल का वीक uh, वन का फ़र्स्ट वीडियो क्लिप वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट uh, होता है थैंक यू